अरे वाह, खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। एक बात बताऊं, तू ना रुक्मा और विमला से ज्यादा अच्छी खिचड़ी बनाती है, उन्हें मत बताना। क्या हुआ, ये इतना डिस्काउंट में क्यों हंस रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? तो फिर मुंह क्यों उतरा हुआ तेरा? मुझे पता है कि अपना उमेश जब छोटा था ना, तो रोज डांट खाते वक्त ऐसे ही मुंह बनाता था। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि कीर्ति की शादी उस रितेश से होने से तूने बचाई है। नहीं अंकल, मैंने ऐसे अरे एक बुरा रिश्ता होने से बचाए तेरे हाथ से, तो फिर ये मूंग की दाल जैसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं अंकल, वो बस पापा की याद आ गई थी। गांव में है? वो इस दुनिया में नहीं है। तूने कभी पहले बताया नहीं? किसी ने पूछा ही नहीं। तो फिक्र मत कर बेटा, परेशान मत हो, हम सब है ना। तू भी तो हमारी बेटी जैसी ही है ना। तेरे पापा का फर्ज हम पूरा करेंगे, और देखना तेरी शादी भी बड़ी धूमधाम से कराएंगे हम। हाँ। तेरे ससुराल में ना तुझसे अच्छी बहू उन्हें मिलेगी नहीं, मैं कह दे रहा हूं। अरे सब गुण तो हैं तुझमें, लड़कों की तो लाइन लग जाएगी, देख लेना। अरे विमला, यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ। इस खिचड़ी का एक चम्मच खा के देखो तुम, कितनी अच्छी बनाई है। अपने उमेश के लिए ऐसी ही जैन लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो इतनी अच्छी खिचड़ी बना सके। अरे खिचड़ी है क्या, पूरी की पूरी लड़की ऐसी चाहिए। दीदी मैं सच कह रही हूँ, बाबूजी के सामने डॉली के ससुराल वाली बात मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गई। सच बात तो ये है ना रूपन कि हम सगी बहनें जरूर हैं, पर तुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा से स्वार्थी रही है, हमेशा अपने बारे में ही सोचती। दीदी ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों गई थी तू बाबूजी के पास? मैं बाबूजी को समझाने गई थी कि वो निशु को राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए मना कर दे। क्यों? कहा है ना बाबूजी ने, कहा है ना कि वो फैसला लेंगे, तो लेने देना उन्हें फैसला। तुझे क्या फर्क पड़ता है रूपन? फर्क पड़ता है दीदी, बहुत फर्क पड़ता है दीदी। मेरी बेटी की शादी टूट गई है, आपकी बेटी के ससुराल में ये सब चल रहा है। वैसे भी निशु घर से बाहर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए जाएगी। दीदी आपने एक बार भी सोचा है कि जैन समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या बोलेंगे हमारे लिए? प्लीज आप समझिए, इस घर में काफी तो है जिससे मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। अब अपनी छोटी बहन की एक गलती माफ नहीं करेगी। परेशान मत कर मुझे रूपन, तेरी एक गलती मुझ पे वैसे ही भारी पड़ रही है। मैं अपने दोनों बच्चों और उनकी तबीयत को लेकर इतनी परेशान हूँ, और ऊपर से ये सब। तू जा, तू छोड़ दे मुझे अकेला। दीदी मेरी बात सुन, आप नहीं चाहती ना कि अमनप्रीत इस घर में उमेश की जिंदगी में रहे? मैं आपकी मदद करूंगी उसे उमेश की जिंदगी से, इस घर से निकालने में। बस मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या आप चाहती है कि उमेश उस अमनप्रीत से शादी करे? नहीं, पर मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती। तो बस दीदी, हम दोनों को मिलकर उसे यहाँ से निकालना होगा। रूपन दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं? अमन के जाने से उमेश की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में आपने जरा भी नहीं सोचा? ये सब ना सिर्फ बोलने की बातें होती है लक्ष्मी, प्यार में पड़े हुए लोगों को अंधा ऐसे ही नहीं कहते। पर दीदी उमेश और अमन को एक मौका तो देना चाहिए ना। अच्छा, मतलब उन दोनों की शादी करा दे। लक्ष्मी तुमने एक बार भी सोचा है कि जैन समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लक्ष्मी मेरी दो बेटियां हैं, उनके लिए रिश्ता क्या तुम ढूंढ कर लाओगी? दीदी कल क्या होने वाला है क्या नहीं, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और मेरे भी दो बेटे और एक बेटी है, मैं भी चाहती हूँ कि उन लोगों की शादियाँ हो और वो लोग खुश रहें। पर उमेश की जिंदगी बर्बाद करके मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ। दीदी, आप लोगों में मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सिर्फ विनती कर सकती हूँ, गिरिंद्र भैया की तबीयत ठीक होने तक अमन को यहाँ पर पूनम बनकर रहने दीजिए। उसके बाद अमन और उमेश खुद ही सबको सच बताने वाले हैं। हाँ दीदी, उन्होंने वादा किया है कि उसके बाद बाबूजी जो भी फैसला लेंगे वो लोग मान लेंगे। प्लीज दीदी। वाह, मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले हम। अमन को इस घर की बहू बना दे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी चाहती है। रूपन देख, अमन को इस घर में मैं भी नहीं चाहती हूँ, पर इस तरह से नहीं। पर इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद में देख लेंगे ना ये सब। अमन दीदी, अमन दीदी, अमन दीदी, अमन दीदी। अरे ज्वालू, तुझे क्या हो गया? दादाजी ने निशा को शूटिंग की परमिशन दे दी। सच्ची? हाँ। लक्ष्मी चाची, क्या हुआ? इधर हुआ क्या है? लक्ष्मी चाची, दादाजी ने निशा को परमिशन दे दी। किसने कहा? निशा का फोन आया था, उन्होंने और किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर ये सब हुआ कैसे? न्यूज मिली है कि श्री नेमीचंद गंगवाल ने खुद अपनी पोती कुमारी निशा गंगवाल को शूटिंग रेंज पे टारगेट की ध्वजा उड़ाते हुए देखा है। इसलिए मैं बाबूजी की इतनी इज्जत करती हूँ। घर के रीति रिवाज को लेके उनके कुछ उसूल है, पर उनकी नजर में वो परख, वो समझ है जो हमेशा उसका साथ देती है, जो सही है। देखना अमन, बाबूजी एक दिन तेरे और उमेश के प्यार को जरूर समझेंगे। आपके मुंह में लड्डू चाचा। इस लड़की से तो मैं तंग आ गई हूँ, हर जगह अपनी नाक घुसाने लगी है। चाची, मैं निशु के लिए बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। देखना चाची, कोई कितनी भी कोशिश कर ले निशु के रास्ते में मुश्किलें पैदा करने की, पर वो अपनी मंजिल खुद बना लेगी। क्या कहा तूने? कोई कितनी भी मुश्किलें पैदा कर ले, मतलब कहना क्या चाहती है तू? नहीं चाची। मैं कौन? तू मुझ पे उंगली उठाने वाली कौन है तू? हाँ रूपन दीदी, कोई आग के ऊपर उंगली नहीं उठा रही। ये तो बस लक्ष्मी, अब इस लड़की की वकालत करना बंद कर दे तू। और वैसे अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं अब भी बाबूजी को इस लड़की की असलियत के बारे में सब सच सच बता दूंगी। दीदी, सामान बांध ले तू अपना। बाबूजी, इस दौरान मैंने गलती से आपको कुछ कह दिया हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। मैं अब भी वही कहूंगा रमेश, जो हमेशा कहता रहा हूं। तू रहने दे रमेश। बाबूजी, आज मैं काफी खुश हूं। खुश तो मैं भी बहुत हो रमेश बेटा, अपने बच्चों को देखकर, निशा को देखकर बहुत खुश हूं। देख, निशा में अपने मंजिल हाजिर करने की पूरी क्षमता है। बस अब मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि जो राह उसने चुनी है उस राह में उसके कदम न रखो। बस यही भी प्रार्थना। देखता हूँ। गंगवाल ज्वेलर्स। हेलो रमेश, बाबूजी को फोन दो, मुझे उनसे कुछ खास बात करनी है। क्या बात है भाभी, मुझे कह दीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे बाबूजी से बात करनी है, उन्हें बताना है मुझे कि उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी जा रही है। बस बहुत हो गया है तमाशा। भाभी कैसा तमाशा? वही जो तुम और लक्ष्मी कर रहे हो, अमन को पूनम बनाकर घर लाकर। आज इस किस्से को ही खत्म कर देती हूँ मैं। भाभी आप बहुत परेशान लग रही है, प्लीज शांत हो जाइए। भाभी प्लीज। क्यों शांत हो जाऊं मैं? ताकि तुम्हारा ये पूनम और अमन का झूठ का नाटक चलता रहे? भाभी प्लीज। रमेश मैंने कहा ना बाबूजी को फोन दो। कोई एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कुछ नहीं कहोगे तुम बाबूजी से, समझी? फोन रखो चलो। मेरा फोन कट कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा फोन कट कर दिया। देखा, इस लड़की की वजह से इस घर में मेरे को इज्जत ही नहीं रही। रूपन क्या बोले जा रही है तुम? शांत हो जा थोड़ा। नहीं दीदी, अब मैं शांत नहीं रहूंगी। शांत रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तू कहीं ना जावेगी, ना किसी से कुछ कहवेगी। माँ जी आप नहीं समझ रहे। जितनी समझे ना बेटा, उतने से तो ज्यादा ही होगी मारे में। और धारे में होती ना तो तुम कीर्ति की फिक्र करती। बेटा औरों के बारे में अच्छा ना सोच सकती है तो ना सही, पर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में तो सोच। माँ जी मैं, हमारा आदेश है तुझे, ये हमारे पति हैं और उनसे क्या कहना है, कितना कहना है, कब कहना है और क्यों कहना है, हम पति पत्नी अपने आप समझ लेंगे। ले तू ये प्रसाद खा मंदिर का। भगवान जी के पास गई थी कीर्ति के लिए प्रार्थना करने। चाहे मैं कुछ कहूं या ना कहूं, लेकिन अगले एक हफ्ते के अंदर बाबूजी खुद ही अमनप्रीत को इस घर से बाहर निकाल देंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।